जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने बीजेपी के पूर्व मंत्री अब्दुल गनी कोहली के खिलाफ दायर याचिका पर कड़ी कार्रवाई करते हुए पूर्व मंत्री और फॉरेस्ट विभाग संबंधी रिकॉर्ड कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इस संबंध में दायर याचिका के तहत एडवोकेट अंकुश शर्मा ने कोर्ट के नोटिस में ये मामला लाया। इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आज फॉरेस्ट विभाग को संबंधित जमीन की घेराबंदी कर ऑन रिकॉर्ड सैटेलाइट इमेजेस और मैप का रिकॉर्ड फॉरेस्ट लैंड की निशानदेही करने को निर्देश दिए हैं। साथ ही बीजेपी के पूर्व मंत्री अब्दुल गनी कोहली के खिलाफ सख्त कार्रवाई को कहा है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी। देखिए, दो केसेस क्लब्ड थे, रोशनी एक्ट को जो हमने चैलेंज किया है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी और ये एक्स बीजेपी मिनिस्टर की फॉरेस्ट लैंड एनक्रोचमेंट का। इन दोनों केसेस में कोर्ट ने अपनी पिछली लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पे और उससे पहले भी कई हियरिंग्स पे कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स पास किए थे। उनकी अनफॉर्चुनेटली कंप्लायंस जो थी वो सरकार नहीं कर रही थी। आज उन्हीं कुछ ऑर्डर्स का हवाला दिया गया कोर्ट के सामने, जिस तरीके से हमने बताया कि बीजेपी मिनिस्टर के केस में पिछली 6 स्टेटस रिपोर्ट्स में उनके खिलाफ केस इस्टेब्लिश हो चुका है। उसके बाद एज अ फॉलोअप कोर्ट ने जो जम्मू के अराउंड फॉरेस्ट रेंज है, स्पेशली बाहू फॉरेस्ट रेंज, उस सारी रेंज के सैटेलाइट इमेजेस, मैप्स जो क्लियरली एक्सटेंट ऑफ द फॉरेस्ट बताएं, वो मंगवाए थे। क्योंकि हमारी एक एलिगेशन ये भी है कि जम्मू के आसपास एंटायर फॉरेस्ट को कैप्चर किया जा रहा है और जम्मू को इनसर्कल किया जा रहा है, उसकी कंप्लायंस नहीं हुई थी। तो उस दिशा में ये आज के निर्देश जो हैं वो इशू किए गए। इसके अलावा रोशनी एक्ट वाले केस में सरकार ने जो रिपील एक्ट था, जो रोशनी को ख़त्म कर दिया, रोशनी एक्ट को जो ख़त्म करवा दिया, उसकी एक प्रति, उसकी एक कॉपी कोर्ट को दी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो रोशनी एक्ट के तहत बेनिफिशरीज थे, जिन्हें ज़मीन आवंटित हो चुकी थी, उनकी डिटेल्स जो थी वो कोर्ट ने पिछले 6 महीने से मांगी हुई हैं, वो इन्होंने नहीं दी थी। तो उन सब बेनिफिशरीज़ की डिटेल्स भी मांगी, क्योंकि नेक्स्ट फॉलोअप स्टेप होगा जिन बेनिफिशरीज़ को ये लैंड अलॉट हो चुकी है रोशनी एक्ट के तहत, उनसे वापस ली जाए। उनसे वापस लेने के लिए उन्हें केस में पार्टी बनाना पड़ेगा, जिसकी दिशा में आज कड़े निर्देश जारी किए जा चुके हैं। जहाँ तक मंत्री का सवाल है, बीजेपी मिनिस्टर का सवाल है, उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर रेस किया उसे डिमोलिश करके स्टेट लैंड को वापस लेने की तरफ कदम बढ़ाए जाएंगे। FIR करके उन्हें विल बी पुट ऑन ट्रायल, ट्रायल पे उन्हें रखा जाएगा और फिर कानून के हिसाब से जो उचित दंड जो है आफ्टर कन्विक्शन जो होता है, उस दिशा में कार्रवाई बढ़ने के आसार अभी दिख रहे हैं। इसके अलावा रोशनी एक्ट के तहत जो बेनिफिशरीज हैं उनसे सबसे ज़मीन लेने की जो प्रक्रिया है वो कोर्ट के माध्यम से शुरू की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से हमने, इनफैक्ट मैंने चीफ जस्टिस को क्लियरली वाइल ओपनिंग माई आर्ग्यूमेंट्स यही कहा कि गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने रोशनी एक्ट वापस तो ले लिया, लेकिन उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को, उन मिनिस्टर्स को, उन ब्यूरोक्रेट्स को, उन पॉलिटिशियंस को, उन इन्फ्लुएंशियल लोगों को, जिनका जिक्र कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया CAG की रिपोर्ट 2014 में किया गया, उन्हें बचा लिया है। तो उन्हीं का रिकॉर्ड अब कोर्ट ने मंगवाया, तो मुझे लगता है कि इनसे ज़मीन वापस लेने का और फिर बहुत फ्रॉड भी जो रोशनी स्कैम में हुआ है उसके तहत FIR दर्ज करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1। For advertisements in Channel 1, please contact on 700-644-869.